हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च कट कर लेंगे, और 2 आलू है बड़ी साइज़ के, उन्हें बड़ा बड़ा काट लिए, और 10 से 12 छोटे प्याज है। अब गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिए, इसमें तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें प्याज डाल देंगे। अब ये आलू के पीस डाल देंगे, इन्हें आधा ही पकाना है, इन्हें बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब इन्हें कढ़ाई के लीड लगा देंगे, थोड़ी देर में देखते हैं। ये देखिए, लीड हटा दी हमने, आलू प्याज थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है, थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। ये देखिए, आधा पक चुका है आलू और प्याज, इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, अब कढ़ाई में तेल गरम है ऑलरेडी। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन्हें जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा। अब इसमें डाल देंगे 2 प्याज की प्यूरी, प्यूरी को थोड़ा पकाएंगे हम कढ़ाई में। उसके बाद टमाटो प्यूरी डालेंगे, 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये देखिए, पक गया प्याज। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले में हमने डाला है नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, मसाले को अच्छे से पका ले। फिर इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे हम, 2 टमाटर की प्यूरी बनाइए मीडियम साइज की, मिक्सी में पीस के। अब ये देखिए, 2 टमाटर की प्यूरी को डाल देते हैं हम इसमें। अब इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च को डाल देंगे, क्योंकि इसको पहले फ्राई नहीं किया है, क्योंकि जल्दी पक जाती है, इसलिए। अब इसमें आलू प्याज डाल दिया, अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे इसी में मसाले के साथ साथ। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अब कढ़ाई के लीड लगा दिए, ये देखिए सब्जी पकना चालू हो गई, आलू प्याज अच्छे से। इन्हें बीच बीच में हिला देंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने में हमें बहुत मेहनत होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसमें धनिया डाल देंगे, धनिए के पत्ते, और इसे अच्छे से चला देंगे। अब सर्विंग के लिए रेडी हो गई आलू प्याज की सब्जी, प्लेट में निकाल लेंगे। यदि आपको लिक्विड पसंद हो तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दें। मेरे को बच्चे को ऐसी ही सूखी थोड़ी पसंद है, इस वजह से मैंने थोड़ा सूखा रखा है इसे। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।